इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से आज गोरखपुर जनपद में तहसील गोला के अंतर्गत आज जो है आदर्श नगर पंचायत गोला में हमें उपस्थित हूँ। यहाँ वार्ड नंबर 18 के सभासद प्रत्याशी जो चल भी रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आज अगर टिकट इनको झंडा टले बैनर से अगर मिलता है तो इसके पहले निर्दल प्रत्याशी के रूप में यह लड़ करके यहाँ सभासद रहे हैं और आज यह उम्मीदवार हैं और घोषित किए हैं कि अगर यह जनता इनको अगर चाह रही है, इनका विकास है या सारे लोगों में भावुक हैं, अगर यह चुनाव यह अगर यह आते हैं यहाँ से तो जनता इनके साथ कितना परसेंट इनकी लाइक कर रही वह खुद जनता से हम जानकारी दे रहे हैं। आपके सामने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे स्वतः पूछेंगे और स्वतः बताएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश मौर्य है, मैं इस वार्ड का निवासी हूँ। और सभासद जी के बारे में जहाँ तक मेरा कहना है कि पिछले 5 सालों का जो इनका कार्यकाल रहा है कि चाहे प्रधानमंत्री मतलब चाहे केंद्र की योजनाएं रही हो चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं रही हो, सारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम हमारे सभासद जी ने किया और 5 सालों में इनका कोई भी दाग नहीं है। यहाँ तक देख लीजिए आप हमारे छोटे से मोहल्ले पे डीवा पे कि कोई भी मकान कच्चा नहीं है आपके देखिए। सिर्फ इनका प्रयास रहा है कि वार्ड नंबर 5 पहले था कि सबसे ज़्यादा आवास जो है इनके प्रयासों से हमारे वार्ड में आया है। और यही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय दिया जा रहा था इन्होंने खुद व्यक्तिगत घर घर जाके सबसे रुक के मतलब हर योजनाओं के बारे में बताया, हर उसमें जितना सहयोग हो सका उतना इन्होंने किया। तो हम लोग चाहते हैं कि दोबारा, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल इनका बहुत बढ़िया रहा है, जनता के बीच में हमारा हमेशा उपस्थिति रही है और किसी के भी सुख दुख कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा एक फ़ोन पे हाजिर रहते हैं 24 आवर। और जो है तो इसलिए हम चाहते हैं कि दोबारा अगर पार्टी इनको अपने झंडे तले बैनर तले अपना सिंबल देके उतारती है तो इससे पार्टी और मजबूत होगी और इसका असर सीधे चेयरमैन के चुनाव पे पड़ेगा, क्योंकि सभासद बढ़िया होगा तो सभासद के साथ साथ चेयरमैन भी बढ़िया होगा तो जनता जो है सभासद के साथ चेयरमैन को भी बढ़िया वोट करेगी और यहाँ से पार्टी मजबूत होगी। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और, जैसे अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी, असामाजिक बाढ़ आई थी, उसमें व्यक्तिगत बाढ़ के समय सुबह शाम डेली आना और हर घर तक जो भी मुख्यमंत्री के वहां से आया हो या प्रशासन की तरफ से आया हो, राहत सामग्री हमारे वार्ड में कोई नहीं छूटा जिसके घर तक इन्होंने राहत सामग्री न भिजवाया। जो खाद्यान्न विभाग का सारे लोगों को उपस्थित इन्होंने सारे लोगों को कराया बिना किसी भेदभाव के। जब ये आते हैं तो इनके लिए पूरा वार्ड अपना परिवार होता है, न कि ये देखते हैं ये किस पार्टी का है और विपक्षी का, ऐसा कुछ नहीं कि पूरा वार्ड अपना है और कोई भी योजना आती है घर तक जाके खुद बताते हैं और खुद एक्टिव रहते हैं और कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आगे भी अगला जो 5 साल का कार्यकाल है पार्टी इन्हीं को दे ताकि इनसे और पार्टी मजबूत। यानी कि जो भी चीज है आप लोग के लगाव इनसे है जी, अब तक जो इनका लगाव आपसे रहा है आप उसी को बरकरार रखने के कि अभी बरकरार बना रहे। हम लोग चाहते हैं कि विकास के कामों में आप देख लीजिए हमारे वहाँ नाली हो, बिजली हो, यहाँ तक कि कभी लाइट चली जाती है तो हम लोग इनको फोन करते हैं तो नगर पंचायत में खुद फोन करके या जाके कहते हैं कि यहाँ की लाइट खराब हो गई आप आके बना दीजिए। सफाई का, हमारे खेत में पानी रिस रहा था, इनसे कहा गया तुरंत इन्होंने सफाई कर्मचारियों को फोन किया कि नाली की सफाई होनी चाहिए और सफाई कर्मचारी आके नाली की सफाई किए। तो हमारे एक जनप्रतिनिधि के रूप में, सभासद के रूप में जितने भी योग्यताएं होनी चाहिए सारी इनके अंदर मौजूद है और हम लोग नहीं चाहते कि नया कोई आए इस वार्ड से किसी भी पार्टी से, क्योंकि इनको हम लोगों ने कसौटी पे परख चुके हैं और ये हमेशा खरा उतरे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि नेतृत्व तो जो हो चाहे केंद्रीय हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे जिला नेतृत्व हो, इनको अपना सिंबल दे के यहाँ पे भेजे ताकि जो है यहाँ से पुनः कमल खिले। क्या नाम है आपका? कृष्ण चौरसिया। सर यह जो हमारे आप सभी के बीच एक सभासद पद के उम्मीदवार जो चल रहे हैं, आप वहाँ रहे भी हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो 5 साल इनका कार्यकाल था बहुत बढ़िया था और हम यही चाहते हैं कि इस बार इनको सैंबल मिले कमल के फूल की तरह और इनको हम कमल की तरह खिला भी दें। यानी कि कमल का सैंबल अगर इनको मिलता है तो आपका यह जानाधार है कि उसी तरह जिस तरह हरा भरा लाल पीला खिलता है उतना हंसते हुए, क्योंकि ऐसे सभासद मिलते नहीं है, क्योंकि निर्दल निकले थे तो हम लोग इनको सहयोग दिए और ये पूरे सहयोग अपनी लगाए पूरे वार्ड के लिए, तो इस समय सिंबल मिल रहा है तो अगर सिंबल के साथ आएंगे तो हम लोगों को और खुशी होगी। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि अगर ये सिंबल से आते हैं तो और एक मजबूत तख्त होगा आपसे
इससे जो चीज छूटा होगा वो पूरा करने का काम यह कर एकदम, क्योंकि योगी जी की सरकार चल रही है, अगर उनके सिंबल में आते हैं तो हमको और फायदा होगा कि जो बाढ़ में हम लोगों को फायदा किए हैं ये, तो इस समय जब सिंबल के साथ रहेंगे तो हम लोगों को और कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जो भी चीज़ रहेगा हम लोग इन लोगों से कहेंगे तो तुरंत हमारा काम होगा। और दूसरा सभासद आएगा पता नहीं कैसा होगा, और इनको खड़े हम लोग कसौटी पर खड़े उतरे देखे हैं। या सर आपके वहाँ शौचालय वगैरह का काम पूर्ण हो गया है? हम लोग यहाँ पर किसी के घर में बाकी नहीं है, सबके घर में शौचालय है और सबके घर में आवास प्रधानमंत्री आवास का था। बाढ़ आई थी, हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था, पानी में हल करके आए थे और घर घर जो जितना भी था ये खाद्य सामग्री सब घर घर पहुँचवाए थे। यानी कि खाद का सामग्री जो भी जो किट मिला था योगी जी के नेतृत्व में, यह सब पर घर घर पहुँचाने का काम किया। हाँ। अच्छी बात है, बहुत सराहनीय बात है कि सभासद अगर चल करके सारा समस्त योजनाओं को पहुंचाने का काम करना तो बहुत सराहनीय बात है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नारायण चौरसिया है और मैं इसी गांव का निवासी हूं, वार्ड नंबर 18 में। और जो भी है हमारे सभासद जी पिछले वर्ष निर्दल लड़े थे और काफ़ी अच्छा मतलब काम वाम किए हैं, और इस समय हम लोग सोचते हैं कि इनको बीजेपी से सिंबल मिल जाए और हम लोग इनका जम करके सहायता करेंगे और ये हमारे हर कामों में खड़े उतरे। सही बात है, अगर हर काम में खड़े उतरे हैं, आप लोगों का विश्वास है और विश्वास के आधार पर फिर विश्वास जताने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, इसी क्रम हमारे एक चाचा जी हैं, मैं इनसे भी कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ। चाचा नाम क्या है आपका? मोतीलाल चौरसिया। चाचा ये आपके सभासद रहे हैं यहाँ जो है 5 साल, नया फिर पुनः आदर्श नगर पंचायत गोला का चुनाव हो रहा है, फिर ये सभासद पद के दावेदारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर हो जाए तो बढ़िया है। क्या पार्टी इनको सिंबल दे तो वह बढ़िया है कि निर्दल है वह बढ़िया है? नहीं, पार्टी सिंबल दे तो बढ़िया है। देखिए चाचा जी का यह सराहनीय बात है कि अगर पार्टी से टिकट पाते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो कितनी ये खुश दिल की बात है कि इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, जबकि यहाँ के प्रत्याशी निर्दल होकर के जीत करके गए थे और निर्दल होने के नाते वह इन्होंने इतना काम किया है आवास का, चाहे जो भी ऊपर से जो भी लाभांत रहा पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। हाँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं इनके बारे में? अभिषेक चौरसिया मेरा नाम है, अभी प्रत्याशी और अभी प्रत्याशी हैं। हम दोनों लोग साथ में चल रहे हैं, दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी से पुराने सक्रिय कार्यकर्ता हैं हम लोग। पिछली बार किसी कारणवश टिकट नहीं दिया गया और उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व को फिर एक बार हम लोग यह आगाह करेंगे कि वह पुरानी गलती इस बार न हो और इनको टिकट मिले और सभी लोग साथ मिल के इनको पुनः विजय करेंगे। विजय करने का कोशिश रहेगा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का यह सभासद उम्मीदवार हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, कुछ कहना सर क्या नाम है आपका? विकास चौरसिया नाम है, पूर्व में यूजन सभा के मंडल प्रभारी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग शुरू से ही कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। पिछली बार जो हमारे सभासद जी हैं पूर्व में प्रेजेंट टाइम में, इनका टिकट क्लियर हो गया था जबरदस्ती, कुछ मान के चलिए नाम तो नहीं नहला कुछ लोगों के द्वारा इनका टिकट कैंसिल कर दिया गया और यह जो है पुनः जो है निर्दल प्रत्याशी कुमित में आ गया। कैंसिल नहीं कर दिया गया, इनके टिकट पे जबरदस्ती उनका पर्चा दाखिला करा दिया गया। अच्छा ठीक है, इसी क्रम में हम लोग इनके साथ चले, रात दिन एक करके चले। अब दूसरी बात यह है फिर कि हम लोग शुरू से लगे हुए हैं, अब की बार पार्टी के नेतृत्व में इनका सम्मान हो, जो भी कार्य पार्टी से चेयरमैन का प्रत्याशी होगा हम उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम यही चाहेंगे सबसे, प्रदेश नेतृत्व से यहाँ प्रभारी नेतृत्व से इनको टिकट दिया जाए, अब कि हम लोग इनके साथ चल के अच्छा काम करेंगे। बहुत सही आपने कहा। इसी क्रम में हमारे साथ सामने स्वतः यहाँ के सभासद पद के उम्मीदवार जो वर्तमान में हैं यह सामने ऊपर थे, मैं इनसे सब कुछ पूछना चाह रहे हैं, यह स्वतः बताएंगे। सर आपका नाम क्या है? रामपुरन गुप्ता, वार्ड नंबर 5 सभासद पतंजलि। आज जो है वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 11 दोनों मिला के वार्ड नंबर 18 हो गया है, तो मैं यही चाहता हूं कि ये वार्ड नंबर 18 से मुझे पार्टी टिकट दे, सिंबल दे, ताकि मैं आसानी से चुनाव लड़ूं और पार्टी का सहयोग कर सकूं। सर पार्टी का सहयोग अगर टिकट मिलता है तो करने के लिए आप तत्पर तैयार तो हैं? जी जी। इसके पहले सर आपके ही लोगों ने कहा कि आप निर्दल प्रत्याशी के उम्मीदवार थे और जो आप सराहनीय काम कर दिए हैं,
या आप बहुत एक सराहनीय काम, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं इसके बारे में बहुत अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे मैं जो भी प्रदेश से या केंद्र से जो भी सहयोग मिला इन लोगों को मैं दिलाने का पूरा प्रयास किया हूँ। मैं जब भी ये लोग बुलाए हैं मैं अपने वार्ड को एक परिवार की तरह सहेजा हूँ। मैं अपना परिवार मान के ही चला हूँ, न कि मैं इस पिछले 5 साल में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं अपने लिए कुछ किया हूँ। मैं अपने लिए कोई सरकारी योजना का लाभ भी नहीं लिया हूँ। जैसे मान लीजिए आवास मैं चाहता तो मैं खुद अपने ले सकता था, लेकिन मैं अपना फार्म नहीं भरा, अपने लिए नहीं कुछ किया। जो भी मैं कहा कि यह गलत संदेश जाएगा, मैं आवास अगर ले लूँगा, मान लीजिए कोई पात्र व्यक्ति छूट गया तो मेरे ऊपर गलत संदेश जाएगा कि देखिए वो पात्र व्यक्ति का आवास, वो हमारे मन में था कि आवास वो अपने ले लिए और पात्र व्यक्ति छूट गया। तो मैं इस तरह से मैं कोई काम नहीं किया हूँ जो 5 साल में मेरे ऊपर कोई उंगली उठा सके। यानी जो भी आपने काम किया है, इस तरह का सराहनीय काम किया है जिला से या केंद्र से या आपके आदर्श नगर पंचायत टाउन एरिया से, जो भी चीज जानकारी आपको, जो भी वहाँ निमावली उस निमावलियों को आप ला करके घर घर तक पहुँचाने का काम किया? जी जी, एकदम घर घर तक पहुँचाने का कार्य किया है। और कहीं से मैं भेदभाव नहीं किया हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए पिछले चुनाव में कोई हमारे साथ 10 कदम नहीं चला तो मैं उसको भेदभाव किया हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि मैं भेदभाव किया। हमारी मानसिकता अलग है, हमारा विचार उसे नहीं मिल रहा है, वो हमारा बुराई बतिया सकता है। लेकिन जो जिसके अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर बता दे कि नहीं यह हमारे साथ भेदभाव किए हैं, इनके साथ दूसरा व्यवहार किए, हमारे साथ दूसरा व्यवहार करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। मान लीजिए झूठे अगर कहने के लिए तो व्यक्ति मान लीजिए तमाम है, जो विपक्षी हैं वो तो बुराई करेंगे ही, लेकिन ऐसा हम अपने होश में, मैं ऐसा कोई होश हवास में नहीं काम किया हूँ तो कोई मुझे बुराई करे या मुझे कोई गाली दे। सर एक बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ग्रामीणों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी पार्टी का टिकट लेकर के आए इस नगर पंचायत में, वो कमल खिले और चेयरमैन बने। और फिर हम ये चाहते हैं कि 1900 वार्ड बना है, 1900 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल लेके आए वो विजयी हो। और मैं पार्टी से आग्रह करूंगा कि वह हमारे लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे और वो पार्टी हमको सिंबल दे, मैं सिंबल तरह चुनाव लड़ूँ और मैं उसके भाजपा के हाथों को मजबूत करूँ। धन्यवाद सर आपको। जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी कमल निशान, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आदर्श नगर पंचायत गोला के अंतर्गत ग्राम सभा वार्ड नंबर 18 में मैं मौजूद रहा। यहाँ सभासद के प्रत्याशी मिले, इनसे हम यहाँ के ग्रामीण अंचल के होने नाते मैं जानकारी लिया। इन्होंने हमारे चैनल में समय दिया, समय देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इंडियन TV न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।